डर लग रहा है क्या? नहीं, किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दरभंगा का है। ये बच्चे स्कूल से आ रहे थे और अग्नि परीक्षा स्कीम का विरोध कर रहे उपद्रवियों से घिर गए। इसके बाद वह घबराने लगे। कमोबेश यही नजारा बिहार की सड़कों पर है। ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बसें फूंकी जा रही हैं, जवानों पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी नेताओं के घर पर हमला किया जा रहा है, तोड़फाड़ की जा रही है। तीन दिनों तक जलने के बाद अब आयशा, इन्नौस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार में उपद्रवियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार के 12 जिलों में 14 सोशल मैसेजिंग साइट से मैसेज को बंद करने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 17 जून से 19 जून तक इंटरनेट बंद किया जाएगा। इनमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 14 ऐप शामिल हैं। जिन जिलों में इंटरनेट बंद है वो कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण है। इससे पहले लखीसराय में जनसेवा एक्सप्रेस में आगजनी के दौरान एक 25 वर्षीय यात्री की मौत हो गई। जगह जगह पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने लाठी चार्ज और फायरिंग की। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया। यहाँ पर भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। सासाराम और मधेपुरा में भाजपा दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। एक दिन पहले नवादा में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया था। दो विधायकों पर हमले हुए थे। पटना के पालीगंज में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। थाना के नजदीक पुलिस की दो गाड़ियां आग के हवाले कर दिया। एक सरकारी बस को फूंक दिया। गुस्साए छात्रों ने थाने पर जमकर पथराव किया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दो दर्जन राउंड गोलियां चलाई। सासाराम में टोल प्लाजा में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। टोल प्लाजा में आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। कई राउंड फायरिंग की खबर है। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगाया गया है। नालंदा, नवादा, बाढ़, दानापुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, हाजीपुर, कमोबेश हर जिले की यही हालत है।